देखो तो फ्रेंड्स, ये मेरी डॉक्टर बनी हुई है, करियर को आप मुझे डॉक्टर बोलो। डॉक्टर अंकल मुझे बुखार आया है। ठीक है, ये कर देता हूँ। ठीक है सर, हाँ, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? इंजेक्शन लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीमारी है, इंजेक्शन हमें लग रहा है, देख के इनका, मैडम का। खड़ी हो जाओ, पहले खड़ी हो, खड़ी हो। बहुत ज्यादा, मैं कब से डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है? चेक कर रहा, तो दवाई दे दो डॉक्टर साहब। दो दो अहो, पानी पीना है मुझे। देखो, मैं क्लेचर लगाई थी ना, तो मेरा क्लेचर छीन ली थी, फिर मैंने रबड़ लगा लिया बालों में। अब बोली मम्मा आप बोलो कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं मुझे उसे डॉक्टर बुलाऊँ। और ये देखो, पानी के लिए परेशान हो रही है, परेशान हो रही, परेशान हो रही। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और जैसे ही मैं बात शुरू करती हूँ वैसे चिल्लाना शुरू कर देती है। और मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी, मैं तैयार हो गई थी, लेकिन ना इनके पापा जी को छुट्टी नहीं मिली। वैसे मैं अकेले भी जाने वाली थी, लेकिन धूप देख करके ना फिर मैं नहीं गई। और अभी जब मैं जाकर देख रही हूँ तो मौसम अच्छा खासा हो गया। अब वहाँ से नंबर भी हमारा मतलब निकल लग चुका होगा, क्योंकि हमें लग रहा है 10:30 के लगभग का नंबर था हमारा, और हमें निकलना था, 9 बजे निकलना था। क्या हुआ? छोटी को ना बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, मतलब खांसी के साथ साथ ना उल्टी हो रही है। और ये कब हो रहा है? जब सोने जा रही तब हो रहा है, जागते समय उल्टी नहीं हो रही। जैसे ही सोने हो जा रही है ना, खांसी बहुत ज़्यादा से हो रही है और उल्टियाँ शुरू हो जा रही हैं। ये लगभग 1 हफ्ते से हो गए, और कल से तो 3 से 4 बार हो चुका है, और आज भी सुबह में 1 बार हुआ है। और कुछ खा भी नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं, और चिल्ला रही दुनिया भर को। देखो करी गाइस, मुझे बचा लो, बचाओ ना मुझे। आप ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक है? कुछ भी खाना नहीं खा रही है, ना सो रही है, मतलब कल दिन में भी नहीं सोई थी, रात में भी नहीं सोई, और आज अभी भी नहीं सोई है। वैसे अब तक 1 बार सो के उठ रही थी। उल्टी को इंजेक्शन लगाओगे? हाँ, बहुत पिट्टी पिट्टी करेंगे ना। और ये देखिए मेरे बिस्तर का हालत, मतलब इस पे जो चादर था ना, तो दोपहर में वो खराब हो गया था, तो उसको धुल दिया गया। फिर उसके बाद जो ब्लैंकेट से बिछाते थे वो भी खराब हो गया, पूरे कर दी। और फिर उसके बाद ये जो छोटा वाला बेड है ना, इस पे भी जो चादर इसका लगा हुआ था, बेडशीट लगे थे उस पे भी कर दी है। मतलब कुछ भी, सारे पे उल्टी उल्टी कर दे रही है। तो रुको, हम देखो पूरा पर्स वर्स लेकर फिर रेडी हो गई थी जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाई मैं, क्योंकि यहाँ से ना हमें ऑटो लेना पड़ता था, बहुत दूर था, पैदल जाना पड़ता छोटी को लेकर। धूप में तो बंद करो। और फिर जिस काम में गई नहीं, अब शाम को जाऊंगी। हाँ, बंद कर देता हूँ। बहुत अच्छे, चैन बंद कर दे बिट्टू, चैन बंद कर दे। ओहो, बंद करो बंद करो, इसमें क्या है? ऐसा है, हाँ, और एक नहीं है। इसको ले, यही देखो, पैसे दे रही हूँ। देखो ओहो, ओ भाई, अरे बाप रे बाप, क्या हो गई, क्या करोगे आप? बहुत सारे तो ओहो, बहुत सारे पैसे। देख लो, मैं दवाई जाने ले जाने के लिए मैं अपने पास पैसे रखी थी, वही पर्स में रखी थी। अरे आपके पास तो बहुत सारे पैसे, गंदी बात ऐसे नहीं करते। अच्छा गाइस, को दे दो फ्रेंड को, दे दो, दोगे कि नहीं? दे दो, आइसक्रीम खाने के लिए दे दो। नहीं होएगा, नहीं उड़ेगा, दे दो, दो दे दो प्लीज। अरे बापले बापले बापले, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट में पैसे इनसे ले लेती हूँ, नहीं कहीं फाड़ देंगे। तो छोटे की एक फरमाइश थी ना, काफी दिनों बाद, मतलब आज थोड़ी सी बोली मम्मा मुझे ना खीर खाना है, तो खांसी आ रही है, मैं चावल की खीर बनाऊंगी तो हो सकता है नुकसान कर, लेकिन मांग भी रही तो मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है दूँ या नहीं दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सोच रही हूँ गरम गरम ना पिला देती हूँ, थोड़ा सा लिक्विड जैसा बना करके, कुछ पेट में जाएगा। जहाँ कुछ भी नहीं खा रही, वहाँ कुछ भी खा लेगी थोड़ा बहुत। पैसा लेके भाग जाते हो? भाग जाता हूँ। अच्छा जी, चले।
तो चलिए फटाफट हम चलते हैं किचन में, नहीं तो यहाँ पर दिन भर बक 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 मम्मा के साथ करती रहेगी और मम्मा भी बक बक करती रहती है बच्चों के साथ ना। बेटे भाई कहाँ है लड्डू? भाई स्कूल गया। आपको भी जाना है स्कूल? हाँ मैं भी जा रहा हूँ। हाँ मुझे मना कर दिया। क्या मैम ने क्या बोला आपको कि अभी आप बहुत छोटी हो? मैम ने ये बोला? बोलो मैम मैं तो सारी बातें जानती हूँ। हाँ बोल दो मैं सबकी दादी हूँ। बोलो मैं सबकी दादी हूँ। सबका दादा हूँ। ये भगवान लड़की तो बहुत आगे निकलती है, बहुत आगे निकलती है। अच्छा तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो ना आने का कारण यही था ना कि मतलब छोटी की तबीयत ख़राब है ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जब ये रोती गाती है ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए बहुत मुश्किल, छोड़ पहले उठो। और अभी तो शांत मूड में है, थोड़ा सा जब रोना शुरू कर देती है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। बोलो बाद में मिलते हैं, बोलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अभी बाय कर दो। बाय बाय। तो फ्रेंड्स चलो फटाफट मिलते हैं, मैं किचन में बनाती हूँ इनके लिए खीर, फिर इसको खिलाती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और बस मैं बनाने जा रही थी छोटी के लिए खीर, क्योंकि वो मेरे से बोले थे मामा मुझे खीर खानी है, बाकी कुछ भी खाने का मन नहीं किया, पता नहीं कैसे बोला मुझे खीर खानी है, क्योंकि वो मीठा खाती नहीं, अचानक से मीठा बोला खाने को। मैंने सोचा चलो जो भी थोड़ा सा खा लेना तो मैं बना देती हूँ, तो यहाँ पर मैं गरम गरम बना करके ना खिला दूँगी। बस बहुत सी सिंपल सी मैंने बनाई थी, बस दूध को गर्म कर लिया था और उसमें मैंने चावल भिगा के रखा हुआ था पहले से। एक्चुअली क्या है कि मैंने चावल बनाया था तो उसी में से थोड़ा सा चावल निकाल करके रख दिया था, तो बस वही मैं बना ली थी, इसको ग्राइंड कर ली थी और इसमें डाल दी थी। तो बहुत ही मतलब ना बहुत ही मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें काम भी है, कुछ काम भी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा है बाबू की वजह से, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ ना कि अभी मैं छोटी को किसी तरीके से थोड़ा सा देखिए आँखों में उसको नींद आई है, लेकिन बार बार उसको खांसी आ जा रही है तो नींद से उठ जा रही है, लेकिन फिर से मैंने दोबारा कोशिश किया है, दोबारा नहीं ये तीसरी बार है कि मैं उसको सुला करके फिर से अपने काम पर लगी हूँ, बट बीच बीच में खांसी आ रही, तो अभी देखती हूँ क्या करते हैं। वैसे शाम को तो मुझे जाना ही है, तो यहाँ पर मेरा बन गया था, मैं आप सभी से बातें कर रही थी, बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा शोर आने लगा था, इस वजह से मैं वॉइस ओवर करना पड़ा। और अभी क्या हुआ मेरे साथ ना कि मैं जैसे ही वॉइस ओवर कर रही थी ना, मतलब इतनी गहरी सी नींद आ रही थी ना, फ़ोन हाथ से छूट गया, फिर मेरे को याद आया कि मैं तो वीडियो को रेडी कर रही थी। और देखिए अभी भी इसको खांसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब कितनी ज़्यादा खांसी आ रही है, और मैं अपने पास मेरे पास दवाइयाँ रखी हुई थी वो भी दी, लेकिन उससे कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं जो भी होगा शाम को पता ही चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बाबू की तबीयत ख़राब है, मतलब वो रोती रहती है, बहुत ज़्यादा रोती नहीं है, मतलब वो रोती नहीं है, खेलती रहती है, लेकिन हम एक थोड़ा सा टेंशन सा बना रहता है ना, तो जिस कारण मेरा ना बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, मतलब कैमरा उठाने का, क्योंकि छोटी को कुछ भी हो जाता ना तो हमारा टेंशन मतलब समझ लीजिए कि बहुत, हम दोनों बिल्कुल, हम लोग रात में बिल्कुल सोए नहीं हैं दोनों जन, दोनों क्या तीनों, छोटी भी नहीं सोई, हम भी नहीं सोए और वो भी नहीं सोए हैं, हम लोग पूरी रात जागे हैं। और अब मैं दिन में भी नहीं सो पाऊँगी, अगर सोऊँगी तो सीधे वही रात के 12 बजे 11 बजे सोने को मिलेगा। तैयार छोटी खिलाती हूँ और मैं ब्लॉग करते हैं फिर एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स में बात शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेगा आप सभी से अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।